हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी जो एग्जाम होंगे थ्योरी एग्जाम, जिसमें फंडामेंटल पीसी पैकेज, जेएमएस एक्सेस तीनों के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अब हम बतलाने वाले हैं आपको फॉक्सप्रो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जो डीसीए कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एमएस एक्सेस की जगह फॉक्सप्रो लिया हुआ है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉक्सप्रो के बारे में। तो फॉक्सप्रो में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेबस दिया गया है और सिलेबस में किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसकी पीपीटी हमने तैयार की, तो आपको पीडीएफ के द्वारा ही बतलाते हैं। जो पीडीएफ आपको चाहिए है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में, हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो फॉक्सप्रो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस को समझाइए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फॉक्सप्रो की विशेषताएं यहाँ पे पूछा जाएगा, फॉक्सप्रो में डेटाबेस फाइल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, स्टेप्स लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इस यूनिट में जो है कमांड्स पूछी जाती है, फॉक्सप्रो में ज्यादातर क्या है, कमांड्स है। कमांड्स का भी वीडियो हमने बनाया था अपने चैनल में, अगर आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, क्लिक करो और पूरे वीडियो को अच्छे से देख लो, आपको फॉक्सप्रो का पेपर बहुत अच्छे से बन जाएगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कमांड्स पूछी जाती है, क्रिएट, डिस्प्ले, रिप्लेस, लिस्ट कमांड, तो यहाँ पर इसके आंसर बिल्कुल छोटे छोटे आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। अपेंड कमांड, इनमें से कोई भी कमांड आपको एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। डिलीट कमांड, डिलीट कमांड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है। इसी प्रकार से फॉक्सप्रो के विभिन्न डेटा टाइप्स को बतलाइए, तो इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि डेटा टाइप को बतलाइए, फॉक्सप्रो में विभिन्न डेटा टाइप्स के बारे में परीक्षण पूछा जाता है। चलिए हम यूनिट सेकंड की तरफ चलते हैं। यूनिट सेकंड में दिया गया डेटाबेस के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद फाइल यूटिलिटी से संबंधित क्वेश्चन, ये अलग से पूछ लिया जाता है कि DIR डायरेक्टरी और लिस्ट फाइल, इन कमांड्स को समझाइए। देखिए फॉक्सप्रो में ज्यादातर कमांड्स हैं, तो कमांड्स कोई भी पूछी जा सकती है, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान कमांड्स हैं, अगर आप फॉक्सप्रो इंस्टॉल करके रन करेंगे बड़ी ही आसानी से आपको कमांड समझ में आ जाएगी। कॉपी फाइल्स कमांड, रीनेम कमांड, इरेज कमांड, छोटे छोटे आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। फॉक्सप्रो में डेटाबेस फाइल में सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग कमांड को समझाइए, इस तरीके से सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग का डायलॉग बॉक्स बना करके और उसके सभी ऑप्शन को जो है वो समझाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस यूनिट में दिया गया इंडेक्स, ये तो आ जाएगा, डिफरेंस भी पूछ सकता है। रिपोर्ट, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉक्सप्रो में रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है, स्टेप्स बतलाइए, तो रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो रिपोर्ट वाला क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर फॉक्सप्रो में लेबल किस प्रकार से बनाते हैं, तो रिपोर्ट और लेबल इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। यूनिट थर्ड में जो मेन टॉपिक है वो है मेमोरी वेरिएबल, सिंपल तथा एरे मेमोरी वेरिएबल क्या कहलाता है समझाइए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मेमोरी वेरिएबल के बारे में इस यूनिट में पूछ लिया जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क वाली कमांड भी शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए दे दी जाती है। फॉक्सप्रो में विभिन्न फंक्शंस को समझाइए, बिल्कुल निश्चित है इस टॉपिक से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा कि फॉक्सप्रो में विभिन्न फंक्शंस को जो है वो समझाइए, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, डे, मंथ, ईयर, डी टू सी, ये सारे फंक्शन होते हैं एग्जाम में आते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन के बारे में जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कीबोर्ड मैक्रोस क्या है, मैक्रोस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। यूनिट फोर्थ में प्रोग्राम फाइल्स किस प्रकार से बनाते हैं, और ब्रांचिंग लूपिंग, प्रोग्राम फाइल्स भले ही ना पूछा जाए कैसे बनाते हैं, लेकिन इस यूनिट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रांचिंग और लूपिंग। ब्रांचिंग और लूपिंग के बारे में बतलाइए, मतलब इफ देन एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसमें सबका आंसर भी दिए गए। एक्सेप्ट एंड इनपुट कमांड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है फॉक्सप्रो में बनाने के लिए। इसके अलावा चलिए हम चलते हैं यूनिट 50 की तरफ। यूनिट 50 में दिया गया मल्टीपल डेटाबेस फाइल के बारे में, तो मल्टीपल डेटाबेस फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है RQBE, रिलेशनल क्वेरी बाय एग्जाम्पल, तो इसका डायलॉग बॉक्स बनाएंगे और इसमें दिए गए ऑप्शन को जो है वो समझाया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्क्रीन बिल्डर के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है।
निम्न निर्देशों को समझाइए @ हमने कहा ना कि कमांड्स है इसमें ज्यादातर, तो कमांड्स जो है जरूर पूछी जाती है। वैसे भी हमने PDF में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये डिस्कस किया है। और आखिरी क्वेश्चन है फॉक्स वगैरह फॉक्स डॉग के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन को समझाइए। देखिए एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस में, सिलेबस के हर एक टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया है पढ़ लिया है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। फिर भी यदि आपको लगता है PDF आपके काम की, इसकी लिंक जो है हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियोस की भी डिस्क्रिप्शन में है, जो प्लेलिस्ट है ना इसकी वीडियो जो हमने बनाई थी उसकी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहां जाकर के देख लें और PDF डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।